जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के नगराकाटा ब्लॉक के अंतर्गत होप चाय बागान में रास्ते की समस्या जब से पंचायत व्यवस्था है तब से यह समस्या है। रास्ता बल्कि 3 किलोमीटर तक है। यह रास्ता में मेडिकल, बच्चे स्कूल और गर्भवती महिला सेंटर जाने में असुविधा होती है। लाइन से जो हम लोग मार्केट निकलता है वो रोड खराब है। वो रोड में हमारा जैसे बगान में जो काम करता है या परमानेंट वर्कर है या टेम्पररी वर्कर है, कोई मतलब डिलीवरी केस हो जाता है, एम्बुलेंस भी नहीं आने नहीं खोजता है, मतलब रोड खराब है। घर आने के लिए गाड़ी रिजर्व करने के जगह में 100 रुपये के जगह 500 रुपये देना पड़ता है। अच्छा, ये समस्या कितने साल से आप लोग झेल रहे हैं? ये समस्या हम लोग का मतलब जब से हम लोग जन्म हुआ है ना, तब से ये समस्या झेल के बैठे हैं। इस बगान में 600 लोगों बसोबास करते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर आदिवासी नेपाली बिहारी समुदाय के लोग रहते हैं, जो कि चाय बगान में काम और खेती करते हैं। यह समुदाय 20 साल से भी ज़्यादा इस समस्या से पीड़ित है। जैसे कि मैं छुआ पुता के स्कूल पढ़ाई भी नहीं सको, गाड़ी रास्ता खराब कर चलते, डिलीवरी केस के मैं लेके नहीं सको थो, जो आप आई सो जाते उके भी लेके नहीं सको थो, रास्ता खराब होने के कारण से। जब रास्ता अगर ठीक हो जाए तो हमें को सब कुछ सुविधा हुई है। अस्पताल, स्कूल, मार्केटिंग या रास्ता होकर जाना पड़ता है। यहाँ यह रास्ता 3 किलोमीटर खराब होने से एक्सीडेंट होता रहता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग होते हैं। रास्ता है जो मेन रास्ता है वो बहुत ख़राब है, 15 साल से बना नहीं है। हम तो बार बार गिरते रहता है, कोई बदल रहता है तो काम में जाता, फिर भी गिरता रहता है, गाड़ी वैसे होता है। कब गिरे आप? 1 तारीख जनवरी 1 तारीख। तो अभी आपका तबीयत कैसा है? तबीयत हमारा भी मोटा मोटी ठीक है, फिर भी दर्द हो रहा है। तो ये रास्ता लेके आप कहीं पे आवेदन दिए हैं? हम लोग वीडियो में दिए हैं। कितना दिन पहले? अभी 1 साल पहले दिए थे, तो थोड़ा कुछ कितना बना के उसके बाद में फिर पिटीशन लिख के दिया है। अभी हम लोग 15 दिन जैसे। यह समस्या का समाधान करने के लिए हम सब गांव वाले एकता हुए थे। हम मीटिंग किए और इस मीटिंग में निर्णय लिए कि वीडियो को वापस जाकर आवेदन दे। अच्छा, आप लोग यहाँ पे डेपुटेशन क्या चीज़ कर दिए? हम लोग दीर्घ दिन से, जब से पंचायती व्यवस्था 1998 से हुआ, तब से हमारे होप साहब बगान के 1 नंबर लेन से थालोड़ा बाजार तक का रास्ता बिल्कुल ही दर्दनाक अवस्था में है। इसलिए हमारा कहना है कि जल्द से जल्द, इससे पहले भी हम लोग दिए थे डेपुटेशन, केवल डेपुटेशन दे के सरकारी व्यवस्था की ओर से हम लोग सहूलियत पाएंगे, मैंने कोई भी व्यवस्था पाएंगे बोल के आशा करते हैं, लेकिन फंड नहीं है। फंड आने से हो जाएगा बोल के बोला जाता है प्रशासन की ओर से, लेकिन कोई काम में पॉजिटिवली सही रूप से सही समय में कर नहीं पाते। इसलिए हमारे होप चाय बगान की जनता की ओर से कहना है कि हमारे नगरकटा ब्लॉक के प्रशासन की ओर से किसी भी तरीके से ये बरसात आने से पहले हमारे रास्ता बन जाए, यही हमारा नम्र निवेदन है। अभी इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसके लिए अभी फंड अवेलेबल नहीं है। हम लोग ये आपका जो भी एप्लीकेशन है, ये हम लोग जो मास प्रेयर आपने अभी दिया है, ये हम लोग जो भी हमारा ऊपर में जिसका पास भी भेजना है, यानी कंसर्न अथॉरिटी है, उनके पास हम लोग भेजेंगे। यह रास्ता को बनवाने के लिए जल्द से जल्द वीडियो अधिकारी जे भोटिया, मोबाइल नंबर 03565270050 इस नंबर पे फ़ोन करके दबाव बनाएं। मैं सुजीत सिंह, जिला जलपाईगुड़ी, इंडिया, अनहट से।